नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी और मटर का बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। ठंडी का मौसम में ये सब्ज़ी सबका घरों में बनता है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी प्लीज़ मत कीजिएगा और देखिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। उसके लिए देखिए इतने बड़े बड़े साइज के दो फूल गोभी लिए हैं, हाफ के जी आलू लिए हैं, हाफ के जी मटर लिया। इन सबको काट लेंगे, मटर को छील लेंगे। दो बड़े साइज का और एक छोटे साइज के प्याज का इस्तेमाल करेंगे, कम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने आलू और गोभी को काट लिया है। आलू को इस तरह बड़े बड़े टुकड़े में काटा है, गोभी को भी हमने इस टाइप से काटा है, बड़े बड़े टुकड़े में, ज़्यादा छोटा नहीं करना है। इसे धो लेंगे अच्छे से। हमारा प्याज भी कट हो चुका है। ये देखिए हमने चाय का कप से एक कप तेल डाला है। यदि आप वजन से लीजिएगा तो 150 ग्राम के करीबन लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये देखिए एक छोटे चम्मच पचफोरन है, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा है, 2 साबुत लाल मिर्च है, 4 तेज़पत्ते हैं। तेल गरम होने के बाद हम सारे खड़े मसाले तेल पे डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, देखिए अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले। देखिए सारा डाल दिया है। 10 सेकंड पकाएंगे फिर प्याज डालेंगे। देखिए हो चुका है, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, उनको बीच एकदम फुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन में रखेंगे। ये 3 मिनट में हो जाएगा, हाई फ्लेम में करेंगे, 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट हुए, 3 मिनट नहीं हुए। अब हम इसमें अपना गोभी आलू डाल देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। देखिए हमने गोभी डाला है, अब आलू को भी डालेंगे। इधर देखिए हमने आलू गोभी को डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। बना कर बहुत ही अच्छी बनती है। ठीक है, हमने मिला दिया है। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के इसको हम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। बीच बीच में हम चलाते रहिए 3-4 मिनट के अंदर, वरना सब्ज़ी जल जाएंगे। इधर देखिए हमने मटर को छीन लिया है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये देखिए हमने 25 से 30 लहसुन की कलियाँ ली हैं, थोड़ा सा आलू लिए हैं, आप देख सकते हैं। इन सब का पेस्ट बनाना है, आधी लहसुन का पेस्ट बनाना है। ये हमारे मसाले हैं, ये आधी लहसुन का पेस्ट है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच सब्जी मसाला, हम एवरेस्ट का लिए हैं, यह एवरेस्ट का अच्छा होता है। एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर। ये देखिए हमारे आलू गोभी हो चुके फ्राई गोल्डन में। ये देखिए प्याज भी भून लिया, सच्चापन भून चुका है। देखिए प्याज जैसे गोल्डन ब्राउन साथ में हो चुका है। अब हम इस तरफ सारे मसाले डाल देंगे। छिला हुआ मटर डालेंगे पहले, ये हम छिल के रखे हैं, गोभी भी है। ये देखिए मटर डाल दिया, सारे मसाले को भी डाल देंगे। सारे मसाले को डाल दिया है, आधी लहसुन का पेस्ट। हाँ, मेरा बेटा बुला रहा है हमको। आज इसमें हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेगा। हम 1.5 बड़े चम्मच नमक डालेंगे, हमारी सब्ज़ी ज़्यादा है। अब जितना नमक का पेस्ट उतना से डालिएगा। मीडियम फ्लेम में उनको 7 मिनट पकाएंगे। ये देखिए नमक, इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। देखिए हमने मिला दिया है। 2 टमाटर का इस्तेमाल करें, 2 टमाटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट लिया, देखिए पतले पतले स्लाइसेस किए हैं। अब इसको डाल दें, ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर, इसको भी पका लेंगे। बस वही 7 मिनट पे तक, 2 मिनट हुआ और 5 मिनट पकाना है। इसमें हम एक छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए एक छोटा चम्मच गरम मसाला है, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप इसके अच्छे सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसे आप रोटी चावल पराठा पूरी के साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए आपको देखने में ही पता चल गया होगा कि कितनी टेस्टी होती है। और अभी तो सबका घरों में बनेगा, ठंडा का मौसम है तो इस टाइप से बनाइएगा। ये देखिए हमारा फ्राई हो चुका सारा मसाला। देखिए मसाले में से तेल छोड़ दिया गया है। अब हम इसमें ना एक छोटा गिलास पानी डालेंगे, एक छोटा गिलास। ये हमने डाल दिया एक छोटा गिलास पानी। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे,
उसके लिए सभी सूखा सूखा बनाएंगे, सूखा सूखा सभी ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए अब इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे हम। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा हरा धनिया का यूज करेंगे। ये देखिए हमने कटा हुआ हरे धनिया डाला है और उसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए सब्ज़ी बहुत टेस्टी लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अभी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।